हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा, यानी कि संघ इकाइनोडर्मेटा का वर्गीकरण। सबसे पहले सामान्य लक्षण। इकाइनोडर्म्स में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि शरीर संगठन जो है वो अंग तंत्र प्रकार का होता है। ट्रिप्लोप्लास्टिक हैं, यानी कि त्रिस्तरीय हैं। सीलोमेट हैं, यानी कि प्रगुही होते हैं। आंत्रगुही प्रकार का सीलोम पाया जाता है। एंट्रोसीलोस प्रकार का सीलोम, आर्य सम्मिति पेंटामेरस प्रकार की, रेडियल सिमेट्री होती है पेंटामेरस टाइप, यानी कि जो पंचभागी आर्य सम्मिति पाई जाएगी। एक्सक्लूसिवली मेरीन है, केवल समुद्री प्राणी इस संघ में पाए जाते हैं। हेड एब्सेंट है, शीर्ष अनुपस्थित है, और बॉडी जो है वो चपटा होता है, देह चपटा होता है, और दो स्तह पाए जाते हैं, मुखीय और उपमुख स्तह। अंतः कंकाल पाया जाता है, एंडोस्केलेटन ऑफ डर्मल कैलकेरियस ऑसिकल्स। अंतः कंकाल में कैल्शियम की बनी हुई ऑसिकल्स पाई जाती हैं या कंटक पाए जाते हैं। जल संवहन तंत्र या वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, और ये एक विशेष प्रकार का लक्षण जो कि जंतु जगत में अन्यत्र नहीं पाया जाता है, केवल और केवल इस संघ में पाया जाता है। इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम में एक मैड्रिपोराइट होता है जो कि स्तह पर पाया जाता है, और मैड्रिपोराइट से फिर देह के भीतर कई सारी नालें जो कि एक नाल तंत्र पर बनाएंगी। एलिमेंट्री कनाल या जो एलिमेंट्री कनाल डाइजेस्टिव सिस्टम में बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्यूब के रूप में होती है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम सीलोमिक पेरिहीमल चैनल्स का बना होता है। सीलोम के बने हुए चैनल्स हैं जिसमें कि रक्त पाया जाता है। श्वसन ब्रिंकिया द्वारा हो सकता है, नालपाद यानी कि ट्यूब फीट द्वारा हो सकता है, या रेस्पिरेटरी ट्री भी हो सकती है। नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क या ब्रेन अनुपस्थित है। एक सरकम ओरल रिंग नर्व की बनी हुई जो कि माउथ के चारों ओर होती है, और उस रिंग से आर्य नर्व्स या रेडियल नर्व शुरू होती हैं। संवेदी अंग या सेंस ऑर्गन्स पोअरली डेवलप्ड हैं, अल्पविकसित होते हैं, डायोशियस प्रकार के हैं सारे। एक सामान्यतः एक लिंगी होते हैं, और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाह्य निषेचन है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि अप्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्धन जिसमें कि लार्वल फॉर्म्स होते हैं, और पुनरुद्भवन या रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। अब आता है वर्गीकरण। फाइलम इकाइनोडर्मेटा दो सब फाइलम्स में विभाजित है, दो उपसंघों में विभाजित है, उपसंघ एल्यूथेरोजोआ और उपसंघ पेल्मेटोजोआ। एल्यूथेरोजोआ में फ्री लिविंग या स्वतंत्र जीवी इकाइनोडर्म्स पाए जाते हैं, और पेलमेटोजोआ में स्थानबद्ध या फिक्स इकाइनोडर्म्स होते हैं जिनमें कि एक स्टॉक या व्रंथ पाया जाता है। व्रंथ के द्वारा ये किसी भी समुद्री वस्तु पे या सतह पर जुड़े होते हैं। इस उपसंघ में चार वर्ग हैं, चार क्लासेस हैं। पहली क्लास है क्लास एस्टेरॉइडिया। क्लास एस्टेरॉइडिया में क्लास एस्ट्रोइडिया में आती हैं स्टार फिशेज या सी स्टार्स, सागर तारा या सितारा मछलियां जिसे कहते हैं। इनमें पांच भुजाएं होती हैं, 5 आर्म्स, और ये भुजाएं जो हैं केंद्रीय बिंब से स्पष्ट रूप से पृथक नहीं होती हैं, यानी कि द आर्म्स आर नॉट मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क। ट्यूब फीट उपस्थित होते हैं, नालपाद जिसे कहते हैं,
और ये ओरल सरफेस पे पाए जाते हैं एम्ब्यूलेक्रल ग्रूव्स में, एनस और मेड्रोपोराइट ये उपमुखीय सतह है यानी कि एबोरल सरफेस पे पाए जाते हैं, पेडिसेलेरे पाए जाते हैं ये छोटे व गतिशील होते हैं पेडिसेलेरे, और ये रक्षात्मक प्रकार के अंग हैं। एस्टेरॉइडिया दो सब क्लासेस में विभाजित है, सब क्लास सोमेस्टेरॉइडिया जिसमें कि जीवाश्म होते हैं फॉसिल्स होती हैं और एक केवल एक जीवित स्पीशीज है जिसे कहते हैं प्लास्टेरिया स्पीशीज, दिस इज द ओनली लिविंग स्पीशीज ऑफ सब क्लास सोमेस्टेरॉइडिया। दूसरी सब क्लास है यू एस्टेरॉइडिया जिसमें कि सारे लिविंग सी स्टार्स हैं, उदाहरण स्टारफिश, एस्टेरियास और पेंटासेरोस। अब आती है दूसरी क्लास, क्लास है ओफियोरॉइडिया। ओफियोरॉइडिया में पाए जाते हैं ब्रिटल स्टार्स जिनको कि भंगुर तारे कहते हैं। भंगुर तारे में भुजाएं हैं और केंद्रीय बिंब है, और यहाँ पे देखा गया है कि बिल्कुल स्पष्ट तरह से ये भुजाएं जो हैं केंद्रीय बिंब से अलग नजर आती हैं। पेडिसेलरे एब्सेंट हैं, एम्बुलेरिकल ग्रूव्स भी एब्सेंट हैं, और जो नाल पाद होते हैं ट्यू फीट होते हैं उनमें सकर्स या चूषक अनुपस्थित हैं। मेड्रिपोराइट ये ओरल सरफेस पे पाया जाता है यानी कि माउथ के पास पाया जाता है, उदाहरण है ओफियोरा या ओफियोथ्रिक्स। देखिए ये है ओफियोथ्रिक्स, इसमें आप देख रहे हैं कि ये केंद्रीय बिंब है और ये भुजाएं हैं जो कि बिल्कुल अलग स्पष्ट से दिखाई दे रही हैं, और ये है एस्टेरॉइडिया का स्टारफिश, केंद्रीय बिंब है, भुजाएं हैं, भुजाएं इतनी लंबी भी नहीं है, थोड़ी ब्रॉड है, मोटी भुजाएं हैं और इतना स्पष्ट जो है ये अलग से नज़र या इनकी बाउंड्रीज जो हैं वो अलग से नज़र नहीं आती हैं। तीसरी क्लास है क्लास एकाइनोइडिया। एकाइनोइडिया में आती है सी अर्चन्स। सी अर्चन्स सी अर्चिन्स ये गोलाकार होते हैं या आप कह सकते हैं कि स्फेरिकल शेप के होते हैं ये सी अर्चिन्स, समुद्री अर्चिन जिसे कहते हैं। इनमें भुजाएं अनुपस्थित होती हैं और पूरा शरीर जो है वो शूलों से ढका होता है। बिंबाब या अंडाकार या अर्ध गोलाकार होते हैं ये। इनमें एक चूइंग एपरेटस जिसको कि एरिस्टोटल लैंटन कहते हैं वो पाया जाता है, एक जल वर्णक उपकरण जिसको अरस्तु की लालटेन कहते हैं वो पाया जाता है। एम्ब्यूलेक्रल ग्रोव्स ऑसिकल द्वारा ढकी होती हैं। इसमें तीन सब क्लासेस हैं, सब क्लास बोथ्रियोसाइकेडोराइडिया इस जिसमें कि अरस्तु की लालटेन अनुपस्थित है, और मेड्रिपोराइट जो है वो उसकी पोजीशन रेडियल होती है आर्य होती है। दूसरी सब क्लास है रेगुलेरिया, उदाहरण है एकाइनस, इसमें अरस्तु लैंटन पाया जाता है वेल डेवलप्ड होता है और मेड्रिपोराइट बिल्कुल केंद्र में होता है। तीसरी क्लास है इरेगुलेरिया, उदाहरण है क्लाइपियस्टर, और इसमें हम देखते हैं इस सब क्लास में मेड्रिपोराइट की पोजीशन जो है वो चेंज होती रहती है यानी कि कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। चौथी सब क्लास है होलोथुराइडिया। होलोथुराइडिया में आते हैं समुद्री ककड़ी या सी क्यूकम्बर्स। सी क्यूकम्बर्स इनमें भुजाएं नहीं होती हैं,
नो आर्म्स आर प्रेजेंट, शूल भी अनुपस्थित हैं, स्पाइन्स आर एब्सेंट, बॉडी इलोंगेट होती है, लंबी होती है, मुख उपमुख दिशा में बढ़ी हुई होती है, माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स या स्पर्शक पाए जाते हैं मुख के चारों ओर, और श्वसन रेस्पिरेटरी ट्री द्वारा होता है। उदाहरण है होलोथूरिया या कुकुमेरिया। लास्ट क्लास है क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया क्लास, क्रिनोइडिया पांचवी क्लास। इस क्लास में समुद्री लिली यानी कि सी लिलीज पाई जाती हैं, और इसमें एक व्रंथ या स्टॉक होता है। ये स्टॉक जो है उपमुख सतह पर पाया जाता है, माउथ और गुदा क्षेत्र, माउथ और एनस दोनों के दोनों मुख्य सतह पर पाए जाते हैं, ओरल सरफेस पे पाए जाते हैं। भुजाएं पतली लंबी होती हैं, इनमें पिन्यूल्स होते हैं। टू फीट या नालपाद में चूसक अनुपस्थित हैं। मेडिपोराइट, स्पाइन्स, पेडिसिलेरे ये भी सब अनुपस्थित होते हैं। उदाहरण है एंटीडॉन। तो ये था वर्गीकरण इकाइनोइडिया का। अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण के चित्र दिखाती हूँ। ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ओफियोरोइडिया में ओफियोथ्रिक्स, ये है सी अर्चिन, इकाइनस कहते हैं इसको, ऐसा नज़र आता है। एक तरफ एनस है, दूसरी तरफ माउथ ओपनिंग है, और गोलाकार है, कोई भुजाएं नहीं होती हैं इसमें। माउथ के चारों ओर टेंटिकल्स पाई जाती हैं। फिर ये है समुद्री ककड़ी या सी क्यूकम्बर, ये है होलोथूरिया का एग्जाम्पल। इसमें भी आप देख रहे हैं भुजाएं नहीं हैं, और माउथ के चारों ओर ये जो हैं ये स्पर्शक या टेंटिकल्स पाए जाते हैं। लास्ट में क्रिनोइडिया। क्रिनोइडिया जो कि स्थानबद्ध है, एग्जाम्पल है एंटीडॉन, बीच में ये है सेंट्रल डिस्क, और इसमें 10 भुजाएं पाई जाती हैं, जिनमें कि ये आप देख रहे हैं ये हैं पिन्यूल्स निकले हुए। एबोरल सरफेस पे ये सिराई होते हैं और एक व्रंथ पाया जाता है। सबसे पहला उदाहरण, सबसे पहली क्लास एस्टेरॉइडिया, जिसमें आती है ये तारा मछली या एस्टेरियस। थैंक यू।